हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा क्रिसमस पर्व। प्रधान डाकघर बालाघाट में 30वां द्विवार्षिक संयुक्त अधिवेशन आयोजित। जिला विद्युत समिति की बैठक में सांसद ने किसानों के लिए विद्युत की उपयोगिता पर जोर दिया। ईसाई धर्मावलंबियों का सबसे प्रमुख त्यौहार क्रिसमस पर्व सोमवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसीलों व ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर पूरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए जिले के तमाम चर्च में व्यापक स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जहां जिले के तमाम चर्च को सजाकर शुक्रवार देर शाम से ही विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं ईसा मसीह के जन्म दिवस क्रिसमस डे पर 25 दिसंबर को सुबह से ही विशेष आराधना, संगीत, ड्रामा सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। 24 दिसंबर को प्रधान डाकघर बालाघाट में 30वां द्विवार्षिक संयुक्त अधिवेशन का आयोजन किया गया। आयोजित अधिवेशन में जहां डाक कर्मचारियों को होने वाली विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया जाएगा, तो वहीं होने वाली विभिन्न समस्याओं पर मंथन किया गया तो वहीं उन समस्याओं के समाधान को लेकर वक्ताओं ने बारी बारी से अपने विचार रखे। इसके अलावा डाक कर्मचारियों की वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों पर भी विचार विमर्श कर उन समस्याओं के समाधान के लिए आगामी रणनीति बनाई गई, जिसके तुरंत बाद संगठन का पुनर्गठन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पदाधिकारी की प्रमुख उपस्थिति में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ तृतीय वर्ग और अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संगठन के पुनरुचुनाव संपन्न कराए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव, कोषाध्यक्ष व 15 सदस्य वाली कार्यकारिणी सहित अन्य पदों पर पदाधिकारी मनोनीत किए गए। ये हमारी परंपरा है कि हर दो साल में द्विवार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें हमारे कर्मचारियों का एक यूनियन है अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, इस कार्यकारिणी का निर्धारण होता है। उसी संबंध में पिछला अधिवेशन 2021 में हुआ था, अभी 2023 दिसंबर 2023 में अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में मुख्यतः देखो हमारे जो प्रांत के और सी एच क्यू बोलने से केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली से अतिथि आते हैं, और जो यहाँ के हमारे साथी कर्मचारी हैं इन लोगों के संयोजन में एक नई कार्यकारिणी गठित की जाती है और वर्तमान में जो मुद्दे हैं, जो कर्मचारियों की समस्या है, इस पर विचार मंथन किया जाता है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने गत देर शाम तक आयोजित हुई जिला विद्युत समिति की बैठक में किसानों के लिए बिजली की आवश्यकता के संबंध में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से कहा कि जहां लाइन नहीं पहुंची हो वहां लाइट पहुंचाने के प्रयास करें। भारत शासन द्वारा ऐसे क्षेत्रों व गांवों में विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए विद्युत प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। भारत शासन की पाई पाई जनता की है, यह पैसा उनकी भलाई में ही काम आना चाहिए। ट्रांसफार्मर लगाकर किसानों को कनेक्शन देने पर विभाग फोकस हो। बैठक के दौरान कटंगी विधायक गौरव बिसेन ने कहा कि पुराने ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य करना होगा। जहां जहां पुराने और डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर हैं उन्हें बदलने का कार्य करें। विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री ने विद्युत समिति की बैठक में बताया कि विद्युत आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2025-26 तक जिले में कुल 409 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। इसमें औसत तकनीकी एवं वाणिज्य हानि जो अभी तक 35.79% को 9.23% तक लाने का लक्ष्य है। नगर के वार्ड क्रमांक 20 रामगली बालाघाट के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर में एक माह से चल रहे अगहन पर्व का समापन मंगलवार को किया जाएगा। अगहन पर्व में लगातार मंदिर में एक माह के
सैकड़ों अखंड ज्योति कलश विराजित हैं और निरंतर महिलाओं द्वारा पूजन पाठ तथा भजन कीर्तन कर मां अन्नपूर्णा के श्री चरणों में आस्था पूर्वक महा आरती और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को सुबह 10 बजे से हवन, जिसके बाद महा आरती, मां अन्नपूर्णा को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। उसके बाद विराजित अखंड ज्योति कलशों का बाजे गाजे के साथ विसर्जन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोग कराया जाएगा। उक्ताशय की जानकारी मां अन्नपूर्णा मंदिर के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल द्वारा दी गई है।